हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू 24 नॉलेज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा, जिससे हमारे लेटेस्ट वीडियो अपडेट आपको लगातार मिल सके। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा, यदि आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर आपको मिल जाते हैं हमारे लेटेस्ट वीडियो अपडेट लिंक, साथ में आपको वहां मिलते हैं स्टडी मटेरियल्स में बुक्स के पीडीएफ के लिंक, तो आप पर जाकर उनको डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आप चाहें तो आपको अगर भी ज्वाइन करना है टेलीग्राम चैनल, तो उसका लिंक आपको हमारे वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पर जाकर आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज का जो हमारा वीडियो है वो है आपके जनरल साइंस मीन सामान्य विज्ञान से, इसका ये पार्ट 5 है। इससे पहले हम 4 पार्ट डाल चुके हैं, यदि आपने वो नहीं देखे हैं तो आपको उसको लिंक और साथ में जितने भी अन्य सब्जेक्ट्स के हमने जो वीडियो बनाए हैं उनके लिंक आपको हमारे वीडियो डिस्क्रिप्शन में, साथ में वीडियो प्लेलिस्ट सेक्शन में आपको अवेलेबल है। और इस वीडियो के जितने भी क्वेश्चंस हैं उसके पीडीएफ भी आपको इसी वीडियो डिस्क्रिप्शन में और टेलीग्राम चैनल पे दोनों पे अवेलेबल हैं। तो पहले इन पीडीएफ को आप डाउनलोड कीजिए, सॉल्व कीजिए, और उसके बाद ही हमारा इस वीडियो को कंप्लीट पूरा देखिएगा। तो इसी के साथ शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो, जिसका जो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, एक प्रकाश की किरण के माध्यम एक्स से दूसरे माध्यम वाई में गुजरने पर यदि प्रकाश का अपवर्तन नहीं होता है तो प्रकाश की आपतित किरण व माध्यम वाई की सतह के मध्य बनने वाला कोण क्या होगा। तो आपको यहां पर इसका आंसर बताना है। तो इसका जो सही आंसर आपका इस क्वेश्चन के लिए रहेगा वो है आपका ऑप्शन 2, 90 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा सुदूर संवेदन में प्रयुक्त होने वाला सक्रिय संवेदक का उदाहरण है, रिमोट सेंसिंग का उदाहरण है। तो यहां पर जो आपका करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन 1, रेडार। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रोटीन की अल्पता कारक है, डिफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन लीड्स टू। तो यहां पर जो सही आंसर है इस क्वेश्चन का वो है आपका ऑप्शन 3, क्वाशिओकर की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स हमारा, कि सोनालिका और मालविका निम्नलिखित में से किस फसल की उन्नत किस्में हैं। तो यहां पर आपसे कई जो फसलें हैं उनकी उन्नत किस्मों के बारे में क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, तो ये आप जरूर पढ़िएगा। तो यहां पर जो इसका सही आंसर है इस क्वेश्चन के लिए तो वो है आपका ऑप्शन 4, गेहूं या वीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है, मींस फिजिकल चेंज है। तो यहां पर जो सही आंसर है इस क्वेश्चन का वो है आपका ऑप्शन 3, बर्फ का पिघलना, इंग्लिश में मेल्टिंग ऑफ आइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त समूह एबी के प्लाज्मा में उपस्थित प्रतिरक्षी एंटीबॉडीज हैं। तो यहां पर जो सही आंसर आपका इस क्वेश्चन के लिए रहने वाला है वो है आपका ऑप्शन 4, न एंटी ए और न ही एंटी बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारतीय पारिस्थिति के जनक कौन है, फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी कौन है। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन 2, रामदेव मिश्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एवाईवीए जीवाणु जंतु अपशिष्ट का पाचन कर बायोगैस का उत्पादन करते हैं, यह है आपका परिवर्तन ए, चेंज ए है, और नेक्स्ट है बायोगैस ईंधन के रूप में जलती है, यह आपका चेंज बी, परिवर्तन बी है। तो इनके रूप में सही कथन का चयन आपको यहां पर करना है। तो जो दोनों की दोनों परिवर्तन प्रक्रियाएं आपको दी गई है, दोनों की दोनों क्या है, ये रासायनिक परिवर्तन है। तो ऑप्शन 3 जो है यहां पर दोनों प्रक्रियाएं ए एवं बी रासायनिक परिवर्तन है, केमिकल चेंजेस हैं। तो ये बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर आपका यहां रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लाइकोपीन वर्णक निम्नलिखित में से किस फल अथवा सब्जी में पाया जाता है। तो यहां पर जो सही आंसर है इस क्वेश्चन का वो है आपका ऑप्शन 3, टमाटर या टोमेटो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कच्चे रेशम के उत्पादन के लिए किया गया रेशम कीट पालन क्या कहलाता है, सिल्क फॉर्म्स जो है क्या कहलाता है, रॉ सिल्क से। तो यहां पर जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन 2, सेरीकल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मियादी बुखार की पुष्टि किस टेस्ट के द्वारा की जाती है। तो यहां पर जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन 2, विडाल टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीथेन के अतिरिक्त कौन सी ग्रीन हाउस गैस कृषि क्षेत्रों द्वारा उत्पन्न की जाती है। तो कौन सी ऐसी अन्य गैस है जो एग्रीकल्चर फील्ड्स के द्वारा प्रोवाइड प्रोड्यूस की जाती है। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन 2, नाइट्रस ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, मधुमक्खियों की कॉलोनी में श्रमिक होते हैं। तो यहां पर आपको इसका आंसर बताना है। तो इसका जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन 1, बंध्य मादा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव में डाउन सिंड्रोम का कारण क्या है? तो यहां पर जो इसका बिल्कुल सही आंसर आपका रहेगा वो है आपका ऑप्शन फर्स्ट, क्रोमोसोम संख्या 21 की एक अतिरिक्त प्रति की उपस्थिति ही यहां पर डाउन सिंड्रोम का कारण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जैविक खाद के बारे में सत्य नहीं है? ये ध्यान रखिएगा, यहां पर पूछा गया है सत्य नहीं है, मतलब तीन सत्य है और एक असत्य है। तो ये जो है ऑप्शन टू, यह केवल जंतु पदार्थों से मीन्स एनिमल मैटर से प्राप्त होता है, यह यहां पर बिल्कुल गलत है, फॉल्स बात यहां पर कही गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक हल वाला कहलाता है, नेचर्स प्लगमैन कहलाता है? तो यहां पर जो सही आंसर है, आशा करता हूं आप सभी को यह पता होगा, ऑप्शन थ्री, केचुआ जो है वो आपका यहाँ पर प्राकृतिक हल वाला होता है, वो जो खेतों को जोतने का काम करते हैं नेचुरली वो ये कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, प्रथम टीका वैक्सीन विकसित किया गया, तो यहां पर आपको इसका सही आंसर आपको बताना है जो कि है आपका ऑप्शन टू, एडवर्ड जेनर द्वारा इसको विकसित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं कि एक वैज्ञानिक विषाणु रोग ग्रसित पादप के वायरस का अध्ययन करना चाहता है, इसके लिए उसे निम्नलिखित में से कौन सा पादप भाग का चयन नहीं करना चाहिए? यहां पर फिर ध्यान रखिएगा, पूछा गया है पादप भाग का चयन नहीं करना चाहिए, तो यहां पर जो सही आंसर है इस क्वेश्चन के लिए वो है आपका ऑप्शन टू, प्रोह अग्रक या फिर शूट अपेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, श्वसन की प्रक्रिया है, तो यहां पर जो सही आंसर है इस क्वेश्चन के लिए वो है आपका ऑप्शन फर्स्ट, ऊष्माक्षेपी ऑक्सीकरण अभिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, संपीड़ित प्राकृतिक गैस CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस में मुख्यतः क्या होता है? तो यहां पर जो सही आंसर है आपका इस क्वेश्चन का वो है आपका ऑप्शन थ्री, मैथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो जैसा आप जानते होंगे गाड़ियों में जो यूज किया जाता है उत्तल दर्पण, तो वो उसका जो सही आंसर आपका ऑप्शन फर्स्ट है, वाहनों के पश्च दृश्य दर्पण के लिए मीन्स रियर व्यू मिरर जो व्हीकल में लगे होते हैं वहां पर उत्तल दर्पण का जो है प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारा धातु का मुख्य अयस्क है, द प्राइमरी ओर ऑफ मर्करी मेटल इज, तो यहां पर जो सही आंसर है इस क्वेश्चन का वो है आपका ऑप्शन टू, सिनाबार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अधातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में रहता है, मींस रूम टेम्परेचर पर जो है वो लिक्विड अवस्था में रहता है? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन थ्री, ब्रोमीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो समतल दर्पण परस्पर लंबवत रखे हुए हैं, तो उनके द्वारा इनके मध्य रखी वस्तु के बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या क्या होगी? तो यहां पर जो सही आंसर है इस क्वेश्चन के लिए वो है आपका ऑप्शन टू मीन्स थ्री, तो यहां पर प्रतिबिंब की संख्या कितनी होने वाली है आपकी, तीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई क्या है, द कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज, तो यहां पर जो सही आंसर है वो है इसका KWH मीन्स किलोवाट प्रति घंटा, तो ये यहां पर ऑप्शन थ्री जो है यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका रहेगा। तो फ्रेंड्स, अभी हमने किए जनरल साइंस से रिलेटेड क्वेश्चंस को, आशा करता हूं आपने पहले PDF डाउनलोड किया होगा, उसके बाद ही इस वीडियो को आप देखेंगे और अपने मार्क्स को गेन करेंगे, कितने मार्क्स आपने यहां पर गेन किए हैं और कितने आपने नेगेटिव में अपने नंबर कम कर लिए हैं। आशा करता हूं आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और देखते रहिए A24 नॉलेज, साथ में हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूलिएगा। एंड लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।